हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बात करेंगे धमाल मचाने आ रही है जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट वन और इसके एडवांस बुकिंग के बारे में, जिसमें 200% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की देवरा ओपनिंग डे पर धमाल मचाने की पूरी तैयारी में है। फिल्म के एडवांस बुकिंग में दूसरे दिन मंगलवार को 200% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई है, जबकि अभी प्री सेल्स के लिए 2 दिनों का वक्त और बचा है। बुधवार सुबह तक वर्ल्ड वाइड फिल्म की ग्रॉस एडवांस बुकिंग 50 करोड़ तक पहुँच चुकी है। कोराटाला शिवा के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जानवी कपूर और सैफ अली खान भी है। देवरा शुक्रवार 27 सितंबर को रिलीज हो रही है। जूनियर एनटीआर 2 साल पहले 2022 में आरआरआर से धमाल मचाने के बाद पर्दे पर देवरा के साथ लौट रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर और गानों को फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। खास बात यह है कि आरआरआर के बाद एक्टर की फैन फॉलोइंग में दुनिया भर में खूब इजाफा हुआ है। इस फिल्म को लेकर फैंस का उतावलापन इसलिए भी है कि एक्टर की पिछली सोलो हीरो फिल्म अरविंदा समेता साल 2018 में रिलीज हुई थी, यानी 6 साल बाद जूनियर एनटीआर पर्दे पर अपनी सोलो हीरो फिल्म लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ओपनिंग डे के लिए देवरा की एडवांस बुकिंग सोमवार को शुरू हुई थी और 24 घंटे में देश में इसके 2 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं, जबकि बुधवार सुबह तक करीब 48 घंटों में अब इसके 6.77 लाख टिकटों की प्री सेल्स बुकिंग हो चुकी है। इसकी बदौलत फिल्म ने रिलीज से पहले ही घरेलू बाजार में 17.33 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और करीब 29.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को ये 200% से अधिक की तेजी है। देवरा देशभर में तेलुगु के साथ ही तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होने जा रही है। जाहिर तौर पर एडवांस बुकिंग में सबसे अधिक 6.64 लाख टिकट तेलुगु वर्जन के बिके हैं, जिनसे 17.14 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 2 दिनों की एडवांस बुकिंग से 1.62 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और अभी गुरुवार का एडवांस बुकिंग होना बाकी है। ऐसे में आंकड़ों में तेजी आने की और भी संभावना है। बताया जाता है कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जूनियर एनटीआर के फैंस फिल्म को हाथों हाथ ले रहे हैं। मंगलवार तक देश और विदेश मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जिस रफ्तार से टिकट बिक रहे हैं, बहुत आश्चर्य नहीं होगा यदि ये फिल्म पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई कर लेगी। जूनियर एनटीआर से पहले प्रभास इकलौते ऐसे तेलुगु सुपरस्टार है जिनकी फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म अरविंदा समेता ही है, जिसने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 58 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। क्या आप भी देवरा पार्ट 1 का इंतजार कर रहे हैं? तो प्लीज हमें भी अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं।